नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर फैंटेसी गली की तरफ से एक नए वीडियो में। ये है इंडिया बनाम न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप के सुपर 12 का मैच नंबर 28। वैसा तो वर्ल्ड कप का मैच नंबर 28 है, सुपर 12 का मैच नंबर 16 है ये। माफ कीजिएगा, ये वैसे तो पोटेंशियल डू और डाई है, थियोरेटिकली नहीं लेकिन प्रैक्टिकली यस, क्योंकि जो टीम जीतती है आप उम्मीद करते हो या एक्सपेक्ट करते हो कि वो टीम बाकी टीम्स को भी हरा दे और पाकिस्तान के साथ सेमीफाइनल्स में प्रवेश कर ले। लेकिन फिलहाल आपको इस वीडियो से क्या क्या मिलेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। वैसे बाय द वे, मेरा नाम कार्तिक अय्यर है, स्वागत है आपका इस पर्टिकुलर शो में। तो इस वीडियो से आपको इस मैच के पिच रिपोर्ट के बारे में मालूम चलेगा, फिर हम आपको या मैं आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज भी बताऊंगा और कौन से प्लेयर्स आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन होने चाहिए इसका भी मैं सजेशंस दूंगा। बाकी तो आप टीम अपने हिसाब से बना ही सकते हैं लेकिन हम सजेशन जरूर देंगे। तो सबसे पहले चलते हैं पिच को देखने यानी पिच की तरफ। तो पिच रिपोर्ट क्या कहती है, मैच है दुबई में। अब भाई प्रॉब्लम ये हो गया है, चाहे आप दोपहर में खेलो या शाम में खेलो, शाम में तो चलो आपके पास ड्यू का एक्सक्यूज है यानी ओस का एक्सक्यूज है, लेकिन दोपहर को तो वो भी नहीं है। लेकिन फिर भी जो टीम पहले बैटिंग करती है ना उससे बहुत बहुत तकलीफ होती है बल्लेबाजी करने में। आपने ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका मैच अगर देखा होगा तो एडम जैम्पा को जब मैन ऑफ द मैच का खिताब मिल रहा था तो उन्होंने इंटरव्यू में यही कहा था कि पहली पारी में बॉल जो है रुक कर आ रही थी और दूसरी पारी में क्योंकि ओस आ गई तो बॉल जो है आसानी से बल्ले पे आ रही थी। इसका मतलब यही हुआ कि जो टॉस जीतता है निश्चित ही तौर पर उसके पास बहुत ही बड़ा फायदा है। तो आप अपनी टीम जो है ना, जो टीम टॉस जीतती है उस टीम के हिसाब से बनाएं, क्योंकि 90% वो टीम फील्डिंग ही लेगी। तो आप फील्डिंग टीम में से, फर्स्ट फील्डिंग टीम में से ज्यादा प्लेयर्स अपने टीम में रखें। जहां तक पिच का सवाल है, बैलेंस लगता तो है लेकिन बॉलर्स को ज्यादा फायदा यहां पर मिलने वाला है। अगर बल्लेबाज को फायदा मिलना है तो उन्हें पिच पर सेट होना पड़ेगा, जैसे कि एरन फिंच ने दिखाया या फिर डेविड वार्नर ने दिखाया या फिर स्टीवन स्मिथ ने भी, काफी समय बिताने के बाद जो है उनका स्ट्राइक रेट जो है ऊपर आया। अब श्रीलंका की तरफ से देखें तो चरित असलंका थोड़े बहुत अच्छा खेल रहे थे, कुशल परेरा भी अच्छा खेल रहे थे, अंत में आके दसुन चानेका ने भी कुछ कुछ रन बनाए। पॉइंट मेरा ये है कि बैट्समैन ऐसे चुने जो आपको लगता है कि क्रीज पर थोड़ा वक्त बिताए। तो ये थी हमारी पिच रिपोर्ट। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी मैं तो कहूंगा कि आप लो से मीडियम ही रखें, जितने ज्यादा हो सके उतने कॉन्टेस्ट खेलें। अगर आप टॉस के बाद आते हैं फैंटेसी गली के साइट या ऐप पर तो आपको 10-10 टीम कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे और इसके बारे में और डिटेलिंग में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको प्लेयर्स के बारे में बताऊं तो सबसे पहले विकेट कीपर्स में देखिए अमूमन ऋषभ पंत का नाम पहले आ जाता है, लेकिन क्योंकि न्यूजीलैंड के जो प्लेयर हैं डेवन कॉनवे जबरदस्त फॉर्म में है, कोई कोई साइड्स पे ये एज अ बैट्समैन है, कोई कोई फैंटेसी साइड्स पे एज अ विकेट कीपर है, लेकिन इन्हें आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। इनकी जो क्रेडिट्स है वो 9 है, 7.9 की फैंटेसी गली रेटिंग है, 42 अंक इन्होंने दिलाए थे पाकिस्तान के विरुद्ध। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ विरुद्ध अपना डेब्यू किया था इसी साल, लेकिन मार्च अप्रैल में वहां पर अच्छी खासी बल्लेबाजी की थी और तभी लाइमलाइट में आए थे और एक ही साथ तीनों फॉर्मेट्स में, मतलब एक ही साथ नहीं, मतलब एक के बाद एक इन्होंने तीनों फॉर्मेट्स में अपना वर्चस्व है वो जड़ दिया गया। अगर आपको याद रहेगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भी ये भारत के सामने खड़े हुए थे, अच्छे रन्स अच्छी टेक्निक एग्जिबिट कर रहे थे। तो ये आपके टीम में होने जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऋषभ पंत को इग्नोर करो, आप ऋषभ पंत को भी अपने टीम में ले सकते हो। हो सकता है ऐसे बड़े मैच में ऋषभ पंत आपके लिए एक डिफरेंशिएटर पिक बन जाए। 9 की क्रेडिट, 7.3 की फैंटेसी गली रेटिंग, 55 अंक दिलाए थे इन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध। इंडिया को थोड़े बहुत एक सेफ पोजीशन में लेकर ही गए थे कि अपना विकेट गवा बैठे और बहुत बार ऐसे होता है। उस दिन तो वो जल्दी आए क्योंकि 2 विकेट जल्दी गिर गई, लेकिन मान लीजिए भारतीय सलामी बल्लेबाजों ने पहले का स्पेल निकाल दिया और फिर पार प्ले तक साथ में रह गए और उसके बाद ऋषभ पंत अगर आ गए और फिर जम गए तो ये आपको दुगनी तिगनी ऐसे पॉइंट्स दे देंगे। तो ऋषभ पंत को आप अपनी टीम में जरूर रखिएगा, कॉनवे को भी अपनी टीम में आप रख सकते हैं। अब चलते हैं, बढ़ते हैं बल्लेबाजों की तरफ। बल्लेबाजों में मेरा ये मानना है कि ये बहुत बड़ा मैच है, इट्स लाइक अ वर्चुअल क्वार्टर फाइनल। बताता हूँ क्यों, क्योंकि मान लीजिए भारत ने न्यूजीलैंड को हरा दिया, अब आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि भारत अफगानिस्तान नामीबिया और स्कॉटलैंड से हार जाए,
तो इसीलिए अगर न्यूजीलैंड ये मैच हार जाती है तो क्योंकि वो पाकिस्तान से भी मैच हार चुकी है तो वो ये एक्सपेक्ट करेगी कि इंडिया और पाकिस्तान आगे चले जाए। वहीं अगर आप न्यूजीलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर वो ये मैच जीत जाते हैं तो उनका भी सेम है, आप उन्हें अफगानिस्तान, नामीबिया और स्कॉटलैंड से हारते तो नहीं देखते। तो फिर जो ये मैच हारेगा पोटेंशियली, मैं अभी भी डायरेक्ट नहीं कह सकता क्योंकि किसको पता, अगर अफगानिस्तान ने कुछ सरप्राइजेस पिक कर दिए तो फिर हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन पोटेंशियली वर्चुअली ये एक क्वार्टर फाइनल है। तो इसीलिए आप बड़े प्लेयर्स जो आपके दिग्गज प्लेयर्स हैं उन्हें आप अपनी टीम में रखें। तो फॉर एग्जांपल विराट कोहली हैं, ये बड़े मैचों में मारते हैं, पिछला मैच भी बड़ा था भारत के लिए, पाकिस्तान के विरुद्ध 76 अंक दिलाए थे इन्होंने, 10 की क्रेडिट, 8.9 की फैंटेसिकली रेटिंग, नंबर 3 या नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे और अच्छी दृढ़ता के साथ बल्लेबाजी करते हैं। वहीं पर न्यूजीलैंड की तरफ से केन विलियम्स, इन्हें आप बाहर क्यों बिठाएंगे, इनके लिए भी एक बड़ा मैच है, ये भी एक बड़े मैच प्लेयर हैं, इन्हें भी आप अपनी टीम में रख सकते हैं। वहीं पर भारत के दो ओपनर्स रोहित शर्मा और केएल राहुल, 10 की क्रेडिट, भले ही पिछले मैच में फ्लॉप हो गए हो रोहित शर्मा, लेकिन उनकी गलती नहीं थी, गेंद ही काफ़ी अच्छी थी, सेम केएल राहुल भी। तो ये चारों प्लेयर्स आप अपनी टीम में रखें। अगर आप देखें जो मैंने 5 प्लेयर्स के नाम लिए हैं, ऋषभ पंत को निकाल दें, तो फिर सभी के सभी जो है टॉप 3 में बल्लेबाजी करते हैं, डेवन कॉनवे और केन विलियमसन भी आप टॉप 3 में देखेंगे, विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल आप टॉप 3 में देखेंगे। बेसिकली आपके जो बैट्समैन हैं वो हो सके तो आप टॉप 3 में से ही लें। जी हाँ, भले ही बैटिंग फर्स्ट यहाँ पर मुश्किल हो, लेकिन आप फिर भी मिडिल ऑर्डर पे ज़्यादा भरोसा करने से बेहतर है आप टॉप ऑर्डर पे भरोसा करें, क्योंकि जैसे कि आपने देखा ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका के विरुद्ध डेविड वॉर्नर जिस तरह से फॉर्म में आए, उसी तरह से आप बैक करते हो कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो थोड़ा टाइम निकाल कर अपने लय में आ ही जाएंगे, तो ये आपके लिए सेफ पिक्स हो ही जाते हैं। अब आते हैं हमारे ऑलराउंडर्स पर। अब ऑलराउंडर्स पर सबसे पहला नाम तो रविंद्र जडेजा का ही आ ही जाएगा, 9 की क्रेडिट है, 7.8 की फैंटेसी गली रेटिंग है। हाँ, अगर ये सेकंड बॉलिंग करते हैं तो शायद इन्हें थोड़ी मुश्किल हो जाए, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान के साथ हमने देखा था गेंद गीली हो जाती है तो फिर ग्रिप करना आसान नहीं होता, लेकिन रविंद्र जडेजा खेल चुके हैं चेन्नई के मैदान में, इंडियन टी20 लीग के लिए खेलते आए हैं और चेन्नई में तो बहुत ही ड्यू होता है, तो इन्हें एक्सपीरियंस है। वहीं पर न्यूजीलैंड की तरफ से डैरिल मिचेल, ये काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं, अमूमन 2 या 3 ओवर डालते हैं और उसमें से भी 1-2 विकेट चटकाते हैं, लेकिन बल्लेबाज काफ़ी उच्च स्तर के हैं। पिछले मैच में 38 अंक दिए थे उन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध, 8 की क्रेडिट और 8.2 की फैंटेसी गली रेटिंग है इनकी, आप इन्हें अपनी टीम में ले सकते हैं। अब गेंदबाजों की तरफ जाएं, एक बार फिर मैं कहूंगा अपने बड़े प्लेयर्स को टीम में ले, तो बड़े प्लेयर में एक नाम आता है जसप्रीत बुमराह। भूल जाइए इन्होंने पाकिस्तान के साथ क्या नहीं किया या क्या किया, ये देखें कि बड़ा प्लेयर है, बड़ा मैच है, ये स्टेप अप टू द ओकेजन करते हैं, 9 की क्रेडिट और 8.2 की फैंटेसी गली रेटिंग, इन्हें आप अपना वाइस कैप्टन भी रख सकते हैं। वहीं पर न्यूजीलैंड की तरफ से टिम साउदी एक बड़े प्लेयर हैं, 8.5 की क्रेडिट, 7.5 की फैंटेसी गली रेटिंग और 39 उन्होंने लास्ट पॉइंट दिए थे पाकिस्तान के खिलाफ। एक और प्लेयर है ईश सोदी, ये जो है जब भारत और न्यूजीलैंड लास्ट टाइम मिले थे ना T20 वर्ल्ड कप में, को याद है 2016 में, तब ईश सोदी ने 3 विकेट चटकाए थे, तो अच्छी गेंदबाजी की थी पाकिस्तान के विरुद्ध भी, अच्छी गेंदबाजी की थी भले ही सेकंड बॉलिंग कर रहे थे। तो जैसे कि मैं कह रहा था, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी टीम जो है सेकंड, या जिस टीम को आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप सपोर्ट कर रहे हो, वो सेकंड फील्डिंग कर रही हो तो वो अच्छा नहीं कर सकती। ये बॉलर देखिए एक एग्जांपल है, 74 अंक दिलाए थे उन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध, ड्रीम टीम के वाइस कैप्टन भी थे, 8 की फैंटेसी गली रेटिंग, 8.5 की क्रेडिट्स। तो आप लीजिए, आप जो सेकेंड फील्डिंग टीम है या फर्स्ट बैटिंग टीम है उसके भी प्लेयर्स लीजिए, लेकिन थोड़ा सोच समझ के लीजिए कि किस तरह के प्लेयर्स आपको पॉइंट्स दिला सकते हैं। अब आते हैं एक और बॉलर के पास, फिर एक बार अपने आप को दोहराना चाहूंगा, बड़ा मैच है, बड़े प्लेयर को आप अपने साइड में लीजिए। 2020 का फाइनल आप याद कर लीजिए, इंडियन T20 लीग का, मुंबई बनाम दिल्ली, उसमें से एक बॉलर ने आकर पावर प्ले में मेरे ख्याल से मैच खत्म ही कर दी थी पहले पारी में, और वो है ट्रेंट बोल्ट। तो मानता हूं कि ये गेंद जो है स्विंग नहीं हो रहा, इसलिए भुवनेश्वर कुमार, ट्रेंट बोल्ट, मिचेल स्टार्क ये इतने चल नहीं रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ स्विंग पे रिलाय नहीं करते हैं, ये दूसरे लेंग्स पे भी रिलाई करते हैं, चेंज ऑफ पेस पे भी रिलाई करते हैं, और जैसे कि मैं कह रहा हूँ इनके लिए भी बड़ा मैच है,
तो 9 की क्रेडिट 7.4 की फैंटेसी गली रेटिंग, 37 अंक इन्होंने दिलाए थे पिछले मैच में, इन्हें भी आप अपनी टीम में रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी प्लेयर सजेशंस इंडिया और न्यूजीलैंड के लिए। अब चलते हैं ये देखने के लिए कि हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन हो सकते हैं। तो सेफ पिक्स तो मैं पहली बता देता हूँ, एक तो विराट कोहली है, केन विलियमसन है, रोहित शर्मा, ये तीनों को तो, और केएल राहुल भी, ये चारों को आप सेफ पिक्स कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि चारों के चारों बड़े मैच प्लेयर हैं। वहीं पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बॉलिंग फ्रेंडली पिच है और जो टीम बॉलिंग, बहुत बार हमने देखा है कि जैसे कि कल एडम जैम्पा ने दिखाया कि वेस्ट इंडीज में गेंदबाज को भी आप कैप्टन बना सकते हैं, तो ऐसे में आपके लिए ऑप्शंस हैं जसप्रीत बुमराह, फिर ट्रेंट बोल्ट और टिम साउथ। क्योंकि अगर ये जो एक स्पेल डालते हैं ना, अगर इस स्पेल में उनका जलवा चल गया तो फिर उनकी टीम जो है बहुत बार जीत के कगार पर होती है। सूर्य कुमार यादव को भी आप कंसिडर कर सकते हैं, वो भी एक अच्छे लय में आ रहे थे, पिछले मैच में भी एक अच्छा पार्टनरशिप फॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हसन अली को अपना विकेट थमा बैठे। लेकिन वहीं अगर ये सेकेंड इनिंग से भी बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं तो फिर निश्चित तौर पर भारत को सीमा रेखा के पार लेके जाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा सकते हैं। और अंत में एक और नाम मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, वो है डेवन कॉनवे। सिंपली बिकॉज ऐसा नहीं कि ये बड़े मैच में खेलते हैं, बट जस्ट बिकॉज सही फॉर्म में चलते आ रहे हैं। वो कहते हैं ना, जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में नए होते हैं या तो आपको थोड़ा टाइम लगता है सेटल होने के लिए या फिर दूसरों को टाइम लगता है आपको आउट करने के लिए। डेवन कॉनवे का यही एक है, बहुत कम लोगों को ये फॉर्मूला पता है इनको आउट कैसे करना। ये प्लस अगर क्रीज पर जम जाते हैं तो अच्छे स्ट्राइक के स्ट्राइक रेट के साथ रन स्कोर करते हैं, उससे पॉइंट्स भी डबल हो जाते हैं। तो प्लीज डेवन कॉनवे को भी आप कैप्टन या वाइस कैप्टन ऑप्शंस में जरूर जोड़िएगा अपने खाते में। अब आते हैं रिस्की पिक्स। अब रिस्की पिक्स कौन हो सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन? एग्जाम्पल है ऋषभ पंत, सिंपली बिकॉज दो धारी तलवार है, किस तरह की चलेगी पता नहीं। ऋषभ पंत अगर चल गए तो फिर बहुत ही बड़ा यहाँ पर एक्सप्लोजन हो जाएगा। वहीं पर वरुण चक्रवर्ती आपके लिए या फिर आर अश्विन, दोनों में से किसी एक को खिलाया, ये आपके लिए एक अच्छे एक्स फैक्टर पिक बन सकते हैं कैप्टन या वाइस कैप्टन। हार्दिक पांड्या, खबरें आ रही हैं कि वो नेट्स में गेंदबाजी कर रहे हैं, हालांकि ये श्योरिटी नहीं है कि हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि कहते हैं ना इंग्लिश में, डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स। भारत डेस्परेट है जीत के लिए, न्यूजीलैंड भी डेस्परेट है जीत के लिए, तो हो सकता है भारत जो है हार्दिक पांड्या से एक दो ओवर डलवाए और मैन द गोल्डन आर्म है, वो एक दो ओवर में आपको विकेट भी चटका के दिला सकते हैं। या तो फिर एक और ऑप्शन है शार्दुल ठाकुर, अगर भारत ने ये निर्णय ले लिया, वैसे तो लेना बहुत अनफेयर लगता है, लेकिन अगर भारत ने ये निर्णय लिया कि भुवनेश्वर कुमार स्ट्रगल कर रहे हैं उनके जगह पर शार्दुल ठाकुर को लेके आ जाए, तो फिर मैन विद द गोल्डन आर्म शार्दुल ठाकुर भी आपके लिए कैप्टन या वाइस कैप्टन पिक बन सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी कैप्टन और प्लेयर सजेशंस। उम्मीद करता हूं आपको थोड़ी बहुत इससे मदद मिल जाएगी। अब चलते हैं हमारे कॉन्टेस्ट की तरफ। हमने आपको इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बता दिया, अब कॉन्टेस्ट के बारे में बता दें। हर मैच फैंटेसी गली पे अगर आप जाएंगे तो हर मैच के मैच सेंटर में आपको एक कॉन्टेस्ट सेक्शन नजर आएगा। कॉन्टेस्ट में वहां पर फैंटासिंग हमारे आपकी इंतजार कर रहे हैं, आपको सिर्फ फैंटासिंग पर माउस रखना है, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ स्क्रोल करते रहना है। स्क्रोल करने से रंग बदलेगा, बदलते रंग के साथ आपके लेफ्ट साइड में नीचे जो है कॉन्टेस्ट जो है माफ कीजिएगा बदलते जाएंगे और आपके राइट साइड में आपको अप्रोक्सीमेट कमाई भी दर्शाई जाएगी। यही नहीं कि अगर आप फैंटा पे माउस ओवर करोगे तो आपको ये भी बता दिया जाएगा कि आप कितने प्रतिशत यूजर्स को हरा सकते हैं, है ना अच्छी बात। इसीलिए हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप फैंटेसी गली को फॉलो करें, फैंटेसी गली की वेबसाइट पर आएं और फैंटेसी गली का ऐप भी आप डाउनलोड करें। नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, प्लीज ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और वरना गूगल प्ले स्टोर पर हमारा ऐप आ चुका है, प्लीज डाउनलोड कर लीजिए फैंटेसी गली का ऐप। इससे एक और फायदा भी हो जाएगा, जैसे ही टॉस हो जाता है हमारे स्कोरर्स जो है जल्द से जल्द लाइनअप्स निकाल लेते हैं जो खेल रहे हैं प्लेइंग 22 और एक नोटिफिकेशन भिजवाते हैं कि फाइनल टीम्स अपडेटेड। अब उससे फायदा क्या होगा, आपके पास चूज करने के लिए 22 प्लेयर्स होंगे, 22 में से आपको 11 चूज करने हैं प्लेयर्स, 11 के 11 टीम में खेल रहे होंगे, यानी आपके लिए स्टार्टिंग पॉइंट्स तो कन्फर्म। अगर आप टॉस के पहले आते हैं तो फिर आपको जो है 44 प्लेयर्स या 45 प्लेयर्स में से चुनना होगा, जो मुश्किल है, और ये कह भी नहीं सकते कि 11 में से कितने प्लेयर्स आपके प्लेइंग 11 में होंगे।
इसीलिए प्लीज टॉस के बाद आना, और जैसे कि मैं कह रहा था आप पहले, आपको 10-10 टीम कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे, जैसे कि ग्रैंड लीग में खेलने के लिए टीम, स्मॉल लीग, मीडियम लीग, लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क, बैटिंग ऑफ बैटिंग फोकस, बॉलिंग फोकस वगैरह वगैरह। तो ये है आप हमारे तरफ से ऑप्शंस। आप हमारे शोज यूट्यूब पे देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, प्लीज देखते रहिए। आप हमारे शो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे बड़ी बात हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही नया वीडियो बने आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, और वो नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप वहां पर एक बेल आइकन को क्लिक करेंगे। तो आपको हमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने देखा है काफी सारे यूजर्स यूट्यूब पे गूगल पे जाकर चेक करते हैं कि फैंटेसी गली के शोज कहाँ हैं, कौन सा नया शो है, कोई जरूरत नहीं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी आप यूट्यूब का पेज खोलोगे, है ना अच्छी बात। प्लीज 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 ये सब फॉलो कीजिए, और नीचे चैट सेक्शन भी है, कमेंट सेक्शन, अपने कमेंट्स जरूर उसमें डालिए। हम आपसे गुफ्तगू करना चाहेंगे, आपके सजेशंस भी हमारे लिए वैल्यूएबल हैं, हम उन पर अमल जरूर करेंगे, और हो सकता है हम और आप एक शो भी साथ में करेंगे। चलिए दैट्स ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एपिसोड। मैं कार्तिक अय्यर अपने पूरे फैंटेसी गली टीम की ओर से आपसे विदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये शो पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और जब भी आप इस मैच के लिए अपनी टीम बनाएं आपको बहुत ज्यादा पॉइंट्स मिले। नमस्कार।